तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राजस्थान की, जहां रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के मुबारकपुर में नगर पालिका का दर्जा हटाने के विरोध में मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि बीते दिन कस्बेवासियों ने बाजार को बंद कर रैली निकालते हुए बस स्टैंड के पास धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे। उनमें से ही कुछ चार लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन भूख हड़ताल पर बैठे चार लोगों की सूद लेने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति अब तक नहीं पहुंचा, ना ही डॉक्टर की टीम भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का मेडिकल करने के लिए पहुंची है। इसी को लेकर कस्बेवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। नौगांव अलवर से मनोहरी लाल सैनी की रिपोर्ट। इस धरना प्रदर्शन में आज कल ही हमने पूर्व में भी सबको सूचित कर दिया था कि आज हमारे चार व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उनके नाम कीर्तन सिंह, रणजीत सिंह, ओम प्रकाश और किरोड़ी लाल। ये चारों व्यक्ति अब सवेरे से भूख हड़ताल पर है। प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यक्ति, न कोई अधिकारी न कोई कर्मचारी नहीं आया है और न ही इनके स्वास्थ्य के बारे में किसी ने अब तक पूछा है। हम ये कह रहे हैं अगर इनके तकलीफ होती है तो उसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। हमारे ग्राम पंचायत को जोड़कर, दो ग्राम पंचायतों को जोड़कर नगर पालिका गठन किया गया था और अब इस सरकार ने उसको तोड़कर वापस दोनों ग्राम पंचायतें बना दी गई हैं। इस संबंध में हमारा सारा ही कस्बा कल बंद रहा, आज फिर हम अमरानंद पर बैठे हैं। हमारे चार व्यक्ति भूख हड़ताल पर हैं और अब तक सरकार की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया है। इस धरना प्रदर्शन में आज कल ही हमने पूर्व में भी सबको सूचित कर दिया था कि आज हमारे चार व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उनके नाम कीर्तन। राजस्थान के निमराणा में निवेश में वृद्धि के लिए ज्वाइनिंग राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम की तैयारी को लेकर औद्योगिक संगठनों के साथ जिला कलेक्टर की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई, जहां राजस्थान में निवेश वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री ने निवेशकों और उद्यमियों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उद्योगों से जुड़े जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। बिजली की समस्या तो जो है स्थानीय स्तर पर काफ़ी कुछ नए सेंक्शन हुए हैं, 132 KVGSS और गवर्नमेंट सोलर के उसमें भी बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है और मुझे कहते हुए खुशी है कि हम कोटपुतली जो जिला है वो सोलर में लीड कर रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में 51 लगभग नए मतलब प्लांट सोलर के आ रहे हैं और चार प्लांट ऑलरेडी बन चुके हैं। तो बिजली की समस्या का समाधान तो और 132 यहाँ पे सेंक्शन हुआ है, एक किलोट में सेंक्शन हुआ है, 33 किलोट में अलग सेंक्शन हुआ है। तो बहुत बड़ी संख्या में मतलब नए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन मैं वो जो जनसेट जो कबाड़ा हो गए NGT के नियम पे डेढ़ सौ किलो वाट के थे उसके। अब NGT को तो वो तो एक रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस को तो फॉलो करना ही होगा। अच्छा, मैं 2014 में हम लोगों ने आवंटन खोला गिलोट में, लेकिन 256 एकड़ के जो जापानी जोन है उसमें एक भी निवेश नहीं आया। लोग MOU करते हैं लेकिन नहीं आ पाते, और निमराणा में 10,000 से ज़्यादा कोई इनके पास बड़ा प्लाट नहीं है। तो इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे, क्या विस्तार करेंगे जापानी जोन का? उम्मीद है अभी ये राइजिंग राजस्थान में नए निवेशकर्ता यही जो कोशिश कर रहे हैं ताकि नए इन्वेस्टर। तो मैम, सरकार हमेशा कह रही है 2015 में रिसेंट राजस्थान के तहत 200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने लगाए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला मैम। नहीं देखिए, ऐसा है, कोशिश जो है इन्वेस्टर्स को लाने की तो हर समय जारी रहती है। अभी भी नया जो ये सबमिट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि नए इन्वेस्टर्स को हम कन्विंस कर सकें, हम आपको फैसिलिटी देंगे। मैडम, अंतिम सवाल कि आप नए नए औद्योगिक क्षेत्र बनाते गए, लेकिन पुराने जो औद्योगिक क्षेत्र उनको लेकर आपकी कोई योजना ही नहीं, ना रिको के कोई नियम है, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर कोई नियम नहीं है, जिसका परिणाम हम भुगत रहे कि हमारे यहाँ कुबोटा जैसी जो बड़ी कंपनी थी उन्होंने पानी की समस्या को लेकर अपना पैर पीछे। अच्छा, इसके लिए क्या कहेंगे? तो अब यहाँ पे कोई वाटर लेवल जो है वो नेचुरली, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर तो कोई नियम अभी भी नहीं बनाया है। वो तो एक टेक्निकल रीजन है, सिंगापुर से डेलीगेशन आया हुआ है, उन्होंने मेरे से सहमत। नौगांव के चंडीगढ़ बास में संत निरकारी सत्संग का आयोजन किया गया। संत निरकारी मिशन विभिन्न विचारधाराओं में आस्था रखने वाले संस्कार के
सभी इंसानों का सम्मान करता है। वेद बनवारी लाल पावटा ने बताया है कि संत निरकारी मिशन कोई धर्म या संप्रदाय नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विचारधारा है। ईश्वर प्राप्ति के द्वारा ही वैश्विक भाईचारे और शांति की स्थापना संभव है। इस मौके पर मुखी राम सिंह, देशराज रघुपाल, कन्हैया सैनी, रामदास सहित कई लोग मौजूद रहे। नौगांव अलवर से मनोहरी लाल सैनी की रिपोर्ट। शासन के किस प्रकार से भक्ति का की शासन देख रहे मानव कल्याण के लिए जब ये जान जाते हैं ये एक ज्योति है इन सब के अंदर निकल कोई भी शासन यहाँ जाति पाति का की कई प्रति की होती की नहीं है क्योंकि शासन सब में एक मेरा परमात्मा है एक में ही मेरा राम है। राजनीति की शासन अयोध्या वासियों को आवाज लगाई है कि ये अयोध्या वासियों बड़ी राग मानुष तन पावा ये मनुष्य का शरीर है ये बड़ी मांगों से।